न्यूज जीपी महुराम प्रसाद भारती इस समय पहुंचे हैं गोपागंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले महुआर गांव में। यहां उपचुनाव का चर्चा होड़ सरगर्मियां बहुत तेज हो गई है। यहां पहुंचे हैं कुछ दादा हैं, कुछ चाची हैं, कुछ दादी हैं, कुछ भैया यंग लोग से भी बात कराएंगे। और इन लोगों का रुझान क्या है, इन लोगों का विचार क्या है, किसके तरफ जाएंगे और किसको हटाएंगे, आइए आपसे बात कराए चाचा। एक चाचा मिल गया, इनसे बात होगी लाइव। चाचा नाम का हुई हुआ आपका? सुदर्शन। सुदर्शन चाचा से लाइव बात होता। ये चाचा है जो सरगर्मिया बटे उपचुनाव वाला, ये सब अपन अपन दम खम लेके ललकर ले बा झंडा बंडा लेके ललकर ले बा हम जीता था नहीं, हम जीता था नहीं, हम जीता था नहीं। लेकिन आप लोग बताए जा की के जीता था, के प्रत्याशी अच्छा बा। सुरभान जी से लाइव बात हो रही। चाचा ये जो सरगर्मिया है बड़ा आंधी नियर बहुत आ, बहुत तेज चलता, हम जीतता नहीं, हम जीतता नहीं, हम जीतता नहीं। लेकिन आप बताएं कि के जीतता, के जीते लायक बाटे, आप लोग का रुझान, आप लोग का सुझाव, आप लोग किधर जाता निया? सुधाकर सिंह के। सुधाकर सिंह कहा है चाचा? उन्हीं जाता निया ऐसे कि अमन की पड़ोसी का बाना, जब चाहल जाये तब तो उनकी के जाइल जाये। दारा सिंह चौहान जवन बात तो उनकी आजमगढ़ जाई जाये तब न मिली है। आया बसपा से एक हल एम पी रहना, बसपा से एम पी रहना, ओकरी बाद जवन बात भाजपा में गये तो विधायकी लड़ना, फिर ओकरी बाद जवन बात सपा में अल तो विधायकी लड़ना, ओकरी बाद भाजपा में ज्वाइन करके अब जवन बात इनके वोट हमन कना दिए। आखिर में के वोट दिए, इनके वोट तो दिए ना, के वोट दिए, रीजन किन्नी बा, का रीजन इनकी में बा, का रीजन उनकी में बा, काहे उनके ना दिए, काहे इनके दिया? ऐसे रीजन बा कि हमारे पड़ोस का बाना, हमारे गांव का बाना, जब जरूरत पड़ी तब घोसी पैदलो जा सके ना जा, या उनके बुलाव दिया जाए मोबाइल से तो जौन बात चलिए कि घर गए रानी 12 बजे रात का, तो खाली कबाड़ी खुटखटौली तो अपन दरवाजा खोल के चढ़िए पे आके हमके सम्मान दिया, हम बोलवल बात पूछल, ओकरी बाद कहल के 2-12 बजे कहाँ चले अल, कान मोबाइल से फोन कर दिया, ऐसे जवन बात तो उनके मन के वोट दिए। आप लोग सुख दुख में हाँ काम आवे ला। एक चाचा ने दर्शाए हैं अपनी मजबूरी को, अपनी समस्या को दर्शाए हैं इस वीडियो स्क्रीन में, बताए हैं कि हम लोग का रीजन क्या है, क्यों हम लोग सुधाकर यानी समाजवादी पार्टी के तरफ, क्यों अपनी पूरे बस्ती को लेकर के, बस्ती को नहीं जहां तक चाचा का पहचान है वहां तक आप जोर लगाए हैं कि हम लोगों के बातों को सुन जाते हैं। आपने बात चाचा ने बताया है इस वीडियो स्क्रीन में कि जब मैंने 12 बजे रात को अपनी समस्या को लेकर पहुंचे तो वह व्यक्ति बाहर निकले, एक खटखटाने पर, एक आवाज पर बाहर निकले हैं और हमारी समस्या को भरपूर सम्मान के साथ सुने हैं और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं ना चाचा। हाँ। ये सब के पूरा बस्तिया के लेके उन्हीं की ओर बढ़ो। हाँ। अरे ताही बाबा लोग बना जा, मोदी जी जोगी जी कह रहे हैं कि सभी गरीब लोगों को खिला रहे हैं, यानी 5 किलो राशन दे रहे हैं, प्लस राशन वो देता नहीं, उन लोगों के तेल साबुन खाते 2000 रुपयो देता नहीं, तो हम ना बढ़िया बानी, हमका ना वोट मिले के चाहिए, हम ना जीता था नहीं, आप का कहता नहीं? वो अपनी घर से थोड़े ना देते बना, इस संविधान के तहत देते बना, बाबा साहब जो संविधान लिखल ओकरी तहत देते बना। हाँ पैसा? हाँ पैसा तो का अपनी घर से अपनी तनखाई में का थोड़े ना पैसा देते बना, आप बताइए। नहीं ना वो फोटो संविधान लिखल है, तो अम्बेडकर जी का फोटो है चा, तो अम्बेडकर जी ने संविधान लिखल हूँ कि मोदी लिखल हूँ, जोगी लिखल हूँ। हो ये चाचा देखिए कितनी बारीकी, कितनी बड़ी बात आप कहे हैं कि संविधान बनाने वाले ने लिख कर गया है, जिस के वो अधिकार देकर गया है इस बस्ती के, नहीं पूरे जितने भी वोटर हैं, जितने भी वोट देने वाले व्यक्ति हैं, संविधान तहत ये अम्बेडकर जी की देन है का चाचा? ये दादा भुलाइल बड़ा का केकर देन बाटे, भारत में केकर देन बा कि केव संविधान लिख दिले रही ना रहत तो वोट ना देत केउ, हमन को वोट ना देवे पौते जा, हमन के नाम खेत ना रही, हमन का दर दर का ठोकर खैतिन जा।
ठाकुर बिरादरी चले दे जैसे पहले हरवाही करो वही तरह हरवाही कराई। ये चाचा अब ठाकुर बिरादरी पर आ गए तो सुधाकर सिंह हूँ। हाँ तो सुधाकर सिंह हूँ तो घर का नेता हूँ। घर का नेता समस्या सुन जा समस्या सुनी है ठाकुर हूँ उसे क्या मतलब ना फायदा वही की मजा चाचा मान लीजिए परिवार में दो चार मेरा रूम जाना नहीं आता है बहुत लोग तो है भैया जो निर्दलीय है इसी गौवा के इसी गिरनवा के इसी ब्लॉकवा के का हो उन्हें घुमा के तो ले है उसमें चाचा ने वीडियो स्क्रीन पर सब चलिए भैया भैया मेरे दल जवाब है कोई नहीं लग रहा है कहीं कुछ ना कुछ है ऐसा चीज फ्री में दे करके उसका तिगुना दाम बढ़ा दिए। ये चाचा टमाटर है सपना हो गई बा अनार खा सकल लेकिन टमाटर ना खा सकल जोगी जी का दिन बाने वाले अरे तो मौसमी को है ना आदमी मौसमी कुछ मौसमी सब्जी हो आषाढ़ में टमाटर गल जाला सूखा पड़ल तो मर्चा सूख जाला आपका हम का कहत बानी जोगी जी जौन बात विदेश भेज दिया टमाटर बात कहाँ हम का खाई जाए प्रत्याशी अनार खा सकले टमाटर अनार जौन बात 100 रुपया किलो बा जो सरगर्मिया ये जो चुनावी उपचुनाव का सरगर्मिया बहुत तेज है आप ये चाचा ये अनार हो कहाँ खून खून बढ़ा वाला अनार लेकर अपने गांव को लेकर ऐसे ही सस्ता बा टमाटर वा खून ना बढ़ा वाला तो किसको मोहंग बा मोहंग बा टमाटर ना खा के ये अनार खा तो फायदा वाला ये बात है छोड़ा टमाटर चलिए ऐसे ऐसे महान भाव से ऐसे ऐसे अच्छे विचार रखने वाले व्यक्ति से आपको रूबरू मुलाकात करवाते रहेंगे लेकिन आप बने रहेंगे ग्रामीण न्यूज यूपी के साथ। थैंक यू। बहुजन समाज पार्टी से कोई लोहत नहीं बाटे तो एकरी खातिर आप लोग फ्री बन जा तो केकरी ओर जात अंजा की विधायकी लल फिर सपा में आईना विधायकी लल फिर मन उनका वे काम बा ए दल से वो दल से ए दल ये उनका कमावे बा।